दुर्गावती नदी में नहाने के दौरान 35 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। मोहनिया थाना क्षेत्र के बिलौड़ी गांव में दुर्गावती नदी में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की नहाने के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि मोहनिया थाना क्षेत्र के बिलौड़ी गांव निवासी सुरेश सिंह के 35 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश सिंह बताया गया है, जहाँ आज सुबह गाँव के दक्षिण दुर्गावती नदी गए थे। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए, जिनके डूबने से मौत हो गई। आसपास के लोगों ने देखा तो काफी शोरगुल किया, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। काफी मशक्कत के बाद नदी से शव को बाहर निकाला गया। फिर परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां परिजन व पुलिस की मदद से पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिजनों द्वारा जिला प्रशासन से मुआवजे को लेकर मांग की गई है। घटना का कारण है नदी में डूबने से, दुर्गावती नदी में डूबने से घटना हुआ है। सुबह 7 बजे गए थे नदी, दक्षिण तरफ गांव की नदी है दुर्गावती नदी, उसी ने गए थे उधर पैखाना कर नदी में नहाने गए। उसी समय नदी में पैर फिसल गया और अंदर अधिक पानी में चल जाने से मृत्यु हो गई। तो कैसे पता चला कि इस नदी में डूब गए? कुछ गांव के लोग नदी के तरफ गए तो लोग वही था संदेश दिए क्या कि गांव में यह था नदी में कोई डूब रहा है। तो हम लोग गए, आनंद फानंद में भाग कर गए, वहाँ पर पहुँचे, देखे तो निकाले, तो शव को बाहर निकाल कर लेकर भागे अस्पताल में सदर। वहाँ पर डॉक्टर द्वारा मृत्यु देखा गया तो मृत्यु घोषित किया गया। कितने देर बाद शव निकला गया था नदी में डूबने? लगभग हम लोग को मालूम चला 15-20 मिनट के बाद। क्या नाम था जो मर गए थे? ओम प्रकाश सिंह। नदी में से कितने देर बाद निकला गया उनका डेड बॉडी? उनका डेड बॉडी नदी से 15-20 मिनट बाद निकाला गया। 15-20 मिनट बाद। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार सिंह। रिश्ता में क्या लगेंगे आपके? हमारा चचा का लड़के हैं। कहाँ घर है आपका? बेलौड़ी। कैमूर न्यूज के लिए दुर्गावती से सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।